फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है। कल जीशान भी निकल गए। तो सच है कि भगवान है कर्मा। जीशान के एविक्शन पे खुश हुई उर्फी जावेद। जी हाँ, जहाँ सबने जीशान के एविक्शन पे आपत्ति जताई तो वहीं उर्फी जावेद ने खुशी। आप ही देखिए उर्फी ने क्या कहा। ज्यादा कौन परेशान किया था आपको? दिव्या और जीशान और किसने, सबने देखा तो हुआ है यार, मतलब कनेक्शन ही तोड़ दिया, 3 साल की दोस्ती तोड़ दी उसने, फिर अब उसके साथ जो हुआ वो तो सबको ही पता है कल क्या हुआ है। कल जीशान भी निकल गए। तो सच है कि भगवान है कर्मा। कर्मा भाई कर्मा, मेरी जबान बहुत ही, तो बच के रहना दुनिया वालों, मैं जो बोलती हूँ फिर तो लगता है लोगों को। हाँ बट जीशान ने तुम्हारा कनेक्शन नहीं तोड़ना चाहिए था, आई फील। मैं उसके साथ एंड तक लॉयल रहती, दोस्ती निभाती यार 3 साल की। अरे तू, मैं तुम मुझे पहले मिलके जाती तो मैं तुझे बताती, अच्छा हलवा बना के जीशान को खिलाती तू, उसके कपड़े तो ओए ओए, राहुल महाजन के कपड़े मैंने धोए थे, इतने गंदे, 100 सालों से उसके कपड़े नहीं धोए। बट देखो ना दिव्या ने कितना अच्छा प्लान किया था, तुमने देखा उसको कैसे कनेक्शन तोड़ा और फिर तुमको घर से बाहर निकलना पड़ा, उसने एक तीर से 2 निशाने किए। दिव्या तो है ही, दिव्या ने एक तरफ इसका कनेक्शन तोड़ा, फिर जीशान को पटाया, उसका कनेक्शन बनाया और इसको घर से बाहर कर दिया। उसका यही काम है, हर शो में जाके वो यही करती है, उसका बस लड़कों को इधर उधर ऐसे ही पटाती रहती है। तो फ्रेंड्स, आप कितने सहमत हो उर्फी के इन बातों से और आप क्या कहना चाहेंगे उर्फी के लिए, कमेंट कर हमें बताएं। बिग बॉस की और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर हमारा चैनल गपशप। तो